देश के दुश्मनों को भी पीछे खिसकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है पीछे भागने के लिए। युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, हरियाणवी जवानों के सामने दुश्मन ठहर नहीं सकता है, वह भी सपाचट होता है। यहां का जवान और यहां का किसान अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का परिचय देता है और बार बार एक बात का एहसास कराता है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों को हमेशा के लिए राम नाम सत्य की यात्रा पे भेजेंगे। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार जब तक रहेगी हरियाणा के विकास पे कोई ग्रहण नहीं लगा सकता, कोई आपके विकास को रोक नहीं सकता। डबल इंजन सरकार की ताकत है, जो काम कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राम मंदिर का विवाद समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। आपने 22 जनवरी 2024 की तिथि देखी होगी, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा, कौन ऐसा भारतवासी नहीं रहा होगा जिसने उस तिथि को देख करके, जिसके आंखों में खुशियों के आंसू न रहे हो, उसके अंदर इस बात का एहसास था कि मेरे प्रभु फिर से विराजमान हो रहे हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या धाम में। और उसके लिए एक तरफ प्रभु के विराजमान होने की खुशी थी, दूसरा अपने पूर्वजों के प्रति लिए गए संकल्प को पूरा करने की खुशी भी थी, जो आपके पूर्वजों ने कभी शपथ ली थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये खुशी भी थी, दोनों संकल्पों की पूर्ति डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 वर्ष में कर दे रही है। बहनों और भाइयों, चाहे वह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के विराजमान होने का मामला हो या फिर कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्य बखूबी हुआ है। आज कश्मीर में अभी परसों ही अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है जम्मू के अंदर, हम विश्वास करेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन का मतलब सुरक्षा, सुशासन और विकास। याद करिए कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था, कौन नहीं जानता है, बेटी सुरक्षित नहीं थी और व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है, आज से 14 वर्ष पहले मिर्चपुर में क्या हो गया था, दलित बेटी और पिता को एक साथ जला दिया गया था। बहन और भाइयों, समाज में जब तक बेटी और बहनों की सम्मान की रक्षा समाज नहीं करेगा, तब तक समाज का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं हो सकता। और ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा की सरकार है, विरासत के सम्मान की रक्षा का एहसास केवल भाजपा है। कैथल से और कलायत से
हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए। याद करिए 2017 के पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कांवड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा भी कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है। लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो मैंने कहा भाई अपने घरों में रहे ना, कौन चल रहे थे उनको बाहर निकलने की, जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और संघ से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और संघ से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें, कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है, और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे,